नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में यार मैं आपके लिए लेके आया हूँ यार सीजन 10 के लीक्स। तो यार आप सबको पता है यार सीजन 10 जल्दी ही आने वाला है क्योंकि सीजन 9 एंड होने वाला है, ये तो जाहिर सी बात है। अभी वीक 7 के मिशन आपको आ गए होंगे, जिनके पास EZ वगैरह कार्ड पड़ा है उनके पास 8 के भी आ गए होंगे। मतलब सिंपल सा ये निकलता है यार कि जो है सीजन 10 वो जल्दी ही आने वाला है, नया रॉयल पास आने वाला और सब कुछ जो है आपका रीसेट होने वाला है टायर वगैरह। तो आज उसी के यार थोड़े लीक्स आपके लिए लेके आया हूँ, इमोट भी थोड़े से लीक लेके आया और उसी के साथ साथ आउटफिट्स और स्किन्स के भी लीक्स है। तो दोस्तों यार पूरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आखिरकार ये लीक्स क्या है वो भी पता लग सके। तो दोस्तों यार आज की वीडियो का जितना भी क्रेडिट है यार वो जाएगा SGR लाइव को। तो यार चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। तो यार हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले लीक के ऊपर, जो कि है यार एक AKM की स्किन का लीक। तो यार ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये AKM की स्किन है। देखो यार मतलब पूरा जो है इसका ओशन सा फील आ रहा है, ब्लू कलर की AKM काफी बढ़िया लग रही है। ये मेरे ख्याल से आने वाली है रॉयल पास में यार, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि यार ये जितने भी आपको लीक्स बताऊंगा कुछ तो रॉयल पास में आएंगे और कुछ क्रेट्स में भी आएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यार जो दूसरा लीक है वो एक मिनी 14 की स्किन है, तो देख पा रहे होंगे ये भी ब्लू कलर का। तो यार जितना मुझे अंदाजा सा लग रहा है यार इस रॉयल पास का नए वाले थीम का, तो वो कुछ ओशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ और हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो थीम था वो मेरे ख्याल से पायरेट्स से रिलेटेड था। तो यार आगे देख लेते हैं हम। देखो यार सीजन 10 के कॉन्करर का फ्रेम, ये तो सबको पता ही था आने वाला, इसमें कुछ लीक वाली बात होती नहीं है। तो यार ये पाना तो काफी मुश्किल है आपको यार, इस पार करके टॉप मेरे ख्याल से 500 में जाना पड़ता है इस कॉन्करर को पाने के लिए। तो यार आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगला लीक कौन सा। तो यार ये ड्रेस है, देखो यार फिर से, देखो यार ये कुछ ऐसा सा फील दे रही है जैसे ठंड होने वाली है, क्योंकि यार ब्लू कलर भी ठंड का ही मेरे ख्याल से प्रतीक है। या तो कुछ ओशन से रिलेटेड होगा या ठंड से रिलेटेड होगा, अभी पता नहीं क्या होने वाला, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। तो एक और आउटफिट देखो यार, ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं यार विकिंडी का थीम तो नहीं रख रहा, क्योंकि विकिंडी तो कब से आ चुका है, क्योंकि यार देखो जितने भी आउटफिट अभी तक लीक वाले मैंने आपको दिखाए हैं सबका जो थीम है वो ब्लू कलर है, और साथ ही साथ यार मतलब गर्म कपड़े हैं वो मतलब सर्दियों वाले। एक और बैकपैक की स्किन, तो देखो यार इस पे भी स्नोफॉल हो रही है बैकपैक पे, पता नहीं यार मतलब मेरा अंदाजा भी पक्का हो रहा है यार कि मतलब थीम वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। तो यार ये तो होगी बैकपैक की स्किन का लीक, अभी आपको एक और दिखा देता हूँ। तो ये देखो यार ये ड्रेस मुझे काफी अच्छी लगी, काफी ओपी है, ठीक है, पर देखना ये होगा यार ये क्या क्रेट्स में आएगी यार RP मतलब रिवॉर्ड्स में आएगी रॉयल पास में आएगी, देखना पड़ेगा वो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ यार अगला आपको जो है लीक दिखा देता हूँ। तो ये ड्रेस यार जो कि सीजन 10 का आपको टायर रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब प्लेटिनम पे मेरे ख्याल से ये आपको ड्रेस मिल जाएगी या गोल्ड पे। तो यार ये आप खेल के आराम से जो है ले सकते हो, ये सीजन 10 का रिवॉर्ड होगा आपका टायर रिवॉर्ड। तो अगला जो यार देखो यार ये आउटफिट आने वाला है, ये पता नहीं इसका नाम क्या, पर जो भी है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार ये मेरे ख्याल से रॉयल पास में आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्रेट्स में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यार अब हम चलते हैं नेक्स्ट लीक के ऊपर और देख लेते हैं नेक्स्ट लीक कौन सा है। तो यार नेक्स्ट लीक भी आप देख पाएंगे, ये दो जो ड्रेसेस है ये दोनों अलग अलग हैं, कोई भी ड्रेस सेम नहीं है, जो राइट वाली है वो अलग है और लेफ्ट वाली वो अलग है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रेस के भी आने के चांसेस हैं नए वाले रॉयल पास में। तो यार अब आपको अगला चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यार ये हेड गियर्स हैं थोड़े से, देख पा रहे होंगे मास्क है और वो देखो एक हेलमेट सा लग रहा है, हेलमेट की स्किन तो नहीं होगी, ये बॉम्बर हेलमेट इसे मेरे ख्याल से कहते हैं, ये आने वाला होगा। तो यार अब मैं आपको एक और हेड गियर दिखा देता हूँ। तो यार एक और जो है आप हेलमेट टाइप का देख पा रहे होंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, जंगल सा लग रहा है, जैसे बंदे जंगल में डाल के जाते हैं वैसा सा लग रहा है। तो यार अब एक और आपको टायर रिवॉर्ड मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो टायर रिवॉर्ड है ये गन की स्किन है, जो कि मेरे ख्याल से डायमंड पे आपको मिलेगी सीजन 10 में, जो कि M249 की स्किन है। तो यार कितना बढ़िया ये स्किन लग रही है, क्योंकि काफ़ी बंदों के पास मेरे ख्याल से जिन्होंने रॉयल पास नहीं लिया उनके पास M249 की स्किन नहीं होगी। तो यार ये अच्छा मौका है यार टायर रिवॉर्ड से M249 की स्किन लेने का। ये बैग की स्किन आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, एक लेवल 1 का बैग है मेरे ख्याल से और एक लेवल 3 का। तो लेवल 2 का दिखाया नहीं कैसा लगने वाला। तो यार इसी के साथ साथ एक और बैग की स्किन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार देखो ये भी एक बैक की स्किन है जिसपे लिखा हुआ है P341 फिर P342 फिर P343, मतलब लेवल 1 पे बैक पे 1, 2 के बैक पे 2 और 3 के बैक पे 3। तो यार अब इमोट्स थोड़े आइकन लीक आया इमोट का, तो देख लो यार ये दो आइकन लीक आए हैं इमोट के, तो इससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि सीजन 10 में कौन से इमोट आने वाले हैं और कौन से चांसेस हैं आने के। तो दोस्तों यार आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यार इन सब लीक्स के बारे में पता लग सके। तो यार मैं बता सकता हूँ लिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।